में ग्रामीण डॉक्टरों से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। ठगी का आरोप डीसी के निर्देश पर बनाई गई जांच कमेटी के सदस्यों पर लगा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जैसा कि आपने सुना है कि ग्रामीण डॉक्टरों से लाखों की ठगी की गई है। 5,000 से लेकर 40,000 रुपए ग्रामीण डॉक्टरों से ठगे गए। ठगी करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरकच्चो में पदस्थापित डॉक्टर्स और कर्मी हैं, जिन्हें जांच टीम में रखा गया था। जांच का भय दिखाकर इन्होंने ग्रामीण डॉक्टरों से रुपए आए थे। जांच दल में कौन कौन थे? प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप बैठा, आयुष डॉक्टर दिनेश कुमार, प्रधान लिपिक जयप्रकाश सिंह और हेयर ड्रेसर पंकज कुमार राणा थे। उसके बाद फिर वहाँ पर फिर पैसा दिए हम, 7,000 और दिए, 7,000 के 8,000 और दिए। उसके बाद फिर हम रिटर्न चलाएँ। उसके बाद फिर वो हमको सेपरेट में साइड में ले के और फिर बोला कि आप मेरा नाम नंबर और नाम मेरा याद रखिए। उसके बाद फिर आपको हम पैसा यहाँ से निकलेंगे कभी हम कॉल में, उसके बाद आपको हम खबर कर देंगे, आप शटर बंद कर दीजिएगा, आप साइड हो जाइएगा। बोला कि नहीं होगा, पैसा वैसा दे के फाइनल कर लीजिए, छोड़िए कागज बाद में देखेंगे। तब बोले आप हैं कहाँ के, तो बोले मरकच्चो के। हम लोग को भेजा गया है प्रभारी के द्वारा। लास्ट में फाइनल हुआ तो 20,000-25,000 से 50 डिमांड कर रहे थे, कभी 20 कभी 30। हम बोले 5 से ज़्यादा मेरे पास है ही नहीं, इतना लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए जो करना है कर दीजिएगा। फिर 5 नहीं ले रहा था, जबरदस्ती फिर लिया। ग्रामीण डॉक्टरों की तथाकथित जांच अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। जांच के क्रम में उन्हें मजिस्ट्रेट और पुलिस बल को साथ लेना था। टीम के सदस्यों ने मजिस्ट्रेट को सूचना क्यों नहीं दी? इसके लिए एक नोडल पदाधिकारी भी बनाया जाना था, जबकि जांच बिना नोडल पदाधिकारी के ही की गई। यदि जांच हुई तो दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमसे मांगा है 40,000 रुपये आपको देना है। इसी तरह बात करते करते हम नहीं सर, नहीं हम ही उतना नहीं सकेंगे, तो 15,000 रुपये में बात फाइनल हुआ है। इस मामले में जब हमने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप बैठा से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया और ठगी में शामिल लिपिक जयप्रकाश सिंह ने सारे मामले से पल्ला झाड़ लिया। पैसा नहीं लिया गया है। कई क्लिनिक वालों का आरोप है कि पैसा लिया गया है। नहीं ना, अफवाह है, अफवाह है। आप लोग जांच करने गए थे, क्या जांच में पाए हैं? कितने नर्सिंग होम गलत तरीके से चल रहे हैं मरकच्चों में? रुपए लेने की बात स्वीकार करना आसान नहीं है। कोई आरोपी कैमरे के सामने नहीं आना चाहता। अब जरूरत है इस मामले पर पूरी जांच की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कोडरमा से न्यूजीलैंड भारत के लिए आर्यन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।